फ्रेंड आज दाल बाटी बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तूर दाल ले ली है और चने की दाल ले ली, दोनों को धो के भिगो दिया था आधे आधे घंटे तक। तो यहाँ पे मैंने काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च ले रखी है, एक टमाटर, थोड़ी सी अदरक और ये दो मिर्ची ले रखी थी। तो यहाँ पे मैंने कुकर पहले से ही चढ़ा दिया था, गर्म हो गया। इसमें घी डालेंगे एक चम्मच, गरम हो गया। चलिए इसमें सारे मसाले, खड़े मसाले डाल देते हैं। चलिए खड़े मसाले हो गए, इसमें एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ मैं, और गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया मैंने। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, एक चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। लास्ट में इसमें गरम मसाला डालेंगे, और गर्मी में बना रहे हैं तो आधा आधा चम्मच डालेंगे मसालों को, और गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे वरना जल जाएंगे मसाले। इसमें मैंने टमाटर जो दिखाया था और हरी मिर्च अदरक उसकी प्यूरी बना ली है, और इसमें डाल के उसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। प्यूरी डालने के बाद आप चाहो तो फ्लेम बढ़ा सकते हो। देखिए घी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें हम दाल डाल देंगे जो भिगो के रखा था, कटोरी में चिपक गया है और भाप लग रहा है, इसे मैं पहले ही छुड़ा ले रही हूँ साइड में, फिर डालती हूँ। अब मैं सब डाल दे रही हूँ इसमें दाल को, दोनों दाल को इसमें डाल देंगे। और दोनों दाल को बराबर बराबर लेना है, चाहे चने की तुअर की हो। आप चाहो तो मूंग की दाल और मसूर की जो दाल आती है लाल वाली जो बिना छिलके की, वो दाल भी मिक्स कर सकते हो, पर इक्वल इक्वल मिक्स करना है। इसमें मैं एक गिलास पानी डाल दे रही हूँ और मिक्स कर दूंगी इसे मैं। चलिए इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, और इसे बहुत टेस्टी बनाने के अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दीजिए। अब इसकी दो सीटी लगा देंगे और गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे, 5 मिनट तक पकाएंगे। चलिए आटा लगा लेते हैं बाटी के लिए। 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले रखा है, और 1/4 चम्मच मैं सूजी ले ले रही हूँ। सूजी से क्या होता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए इसमें 1 पिंच मैं सोडा डाल दे रही हूँ खाने वाला, और इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार भी डाल सकते हो आप, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ी सी इसमें 1 चम्मच तक अजवाइन ले लेंगे, और इसे हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच मैं घी डाल दूंगी, जो कि गरम करके हल्का ठंडा कर लिया है। घी पिघला हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप तेल भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो। सूजी डालें इसलिए तेल या घी बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी बॉडी सॉफ्ट बनेगी। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को डो लगाएंगे हम, पर इसका डो जो है थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ही गूथेंगे, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो बाटी है वो एकदम थोड़ी सॉफ्ट होगी तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। चलिए हो गया है, इसे ढक देते हैं आधे घंटे के लिए। चलिए दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए गल गया है अच्छे से, हो गया है। चलिए इसे निकाल लेते हैं और इस पर तड़का लगा देते हैं। जीरा और मिर्ची का तड़का लगा दिया मैंने। आटा हो गया है, इसमें हल्का सा घी लगाकर इसे फिर से गूंथ लेंगे। घी इसलिए लगा रहे हैं जैसे कि आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए और हम इसकी बाटी बनाएं तो ये फटी फटी ना दिखे। नींबू आकार का लेंगे उतना बड़ा, और हाथों में रख के इस तरह से इसे गोल और चिकना करेंगे। आप चाहो तो अंगूठे से भी इसे प्रेस कर सकते हो, चाकू या चम्मच की मदद से इस पर कट लगा सकते हो इस तरह से,
जैसे कि हमारी बाटी फूले तो इसे अच्छे से पता चले कि हाँ फूल गई है। तो यहाँ अप्पम का मैंने साँचा ले लिया है, इसमें घी लगा दे रही हूँ। आप चाहो तो तेल या बटर मिक्स करके भी लगा सकते हो। तो इसमें इस तरह से सबको रख देंगे। जो कट वाला भाग है उसे ऊपर के साइड रखना है और इस पर मैं घी लगा दे रही हूँ। घी लगाने से ये आसानी से फटाफट पक जाएगा। ऐसे भी इसे पका सकते हो अगर आप पकाना चाहो तो, लेकिन टाइम लगेगा। अगर घी या तेल लगा दोगे तो ये जल्दी से पक जाएगा। थोड़ा इसे पलट के देख लेते हैं अच्छे से ये हो रहा है कि नहीं। हाँ देखिए हल्का हल्का ये पक गया है। तो इन सबको हम घुमा देंगे। आपको इसे घुमाने में चम्मच से अगर आसान लगे तो चम्मच से घुमाइए। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से इसे घुमाना है, जैसे कि बाटी फटे ना। चलिए इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में देखिए पक गया है ये। आप बीच में खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा वरना जल जाएगा। चलिए इसे खाने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ घी ले लिया है मैंने गर्म करके, उसमें इसे डिप करके निकाल लेंगे और टेस्टी टेस्टी बाटी खाएंगे। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।